नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से अपने पैरों को ऑब्जर्व करके हम अपने अंदर चल रही लिवर संबंधी समस्या को यानी गड़बड़ी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आप इसे प्लीज पूरा देखें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो आज इस वीडियो में देंगे वो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो सिर्फ एक इंडिकेशन है। आप सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे अंदर कोई लिवर संबंधी गड़बड़ी तो नहीं है, लेकिन जो पार्ट टेस्ट का है या जो पार्ट डॉक्टर का है, ये काम वही ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे कि अगर कोई इंडिकेशन है तो उसे कन्फर्म किस रूप में करना है। इस तरीके के जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, इससे आपको केवल एक इंडिकेशन, एक अंदाजा लग जाएगा कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसी खराबी तो नहीं है जो लिवर की गड़बड़ी का संकेत देती है। सबसे पहला लक्षण, जो सबसे कॉमन लक्षण है वो देखने को मिलता है, वो है लंबे समय तक फटे रहने वाली एड़ियां। दोस्तों, अक्सर ये देखने को मिलता है कि ठंड के मौसम में ठंडी की वजह से ड्राई जो मॉइस्चर होता है, ड्राई जो एनवायरमेंट होता है, उसमें हमारी एड़ियां फट जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी साल भर एड़ियां फटी रहती हैं और खासतौर से स्किन उनकी ड्राई होती है, रूखी होती है और उनमें दरारें पड़ जाती हैं, कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ विटामिन की कमी है, जैसे कि विटामिन B3 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब आप कहेंगे कि अगर विटामिन की कमी है तो किस तरीके से ये लिवर की तरफ संकेत कर रहा है। दोस्तों, इसका लेना देना हमारे लिवर से इसलिए है क्योंकि लिवर हमारी बॉडी को प्रोड्यूस करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और वो है बाइल। जब लिवर की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है तब बाइल का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। बाइल का एक बहुत खास काम ये भी है कि ना सिर्फ ये फैट को डाइजेस्ट करता है बल्कि फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि ए, विटामिन ई, B3 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करता है। अगर बाइल का प्रोडक्शन कम है तो ये सारे विटामिन अच्छी तरीके से हमारी बॉडी में जज्ब नहीं हो पाएंगे, तो इनकी कमी से हमारी स्किन के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा इन द लॉन्ग रन और वो फटी एड़ियों के रूप में सामने आ जाएगा। नेल्स का एक बहुत ही रोचक तरीके के नेल्स देखने को मिलते हैं जिसे कहा जाता है टेरीज नेल्स। दोस्तों, टेरीज नेल्स का क्या मतलब होता है कि नाखून का अधिकांश भाग यानी 3/4 भाग सफेद दिखाई देता है और नाखून का ऊपरी हिस्सा जो होता है उसमें रेड और ब्राउन कलर की मार्जिन यानी टिप दिखाई देती है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है लिवर फेलियर का। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि आपका लिवर लंबे समय से कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, खासतौर से लिवर सिरोसिस जैसी कंडीशन भी पैदा हो सकती है। तो इस तरह की कंडीशन डायबिटीज में भी देखने को मिलती है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन दिख रही है तो आप कृपया नाखून का इलाज ना करें बल्कि उसके अंदर जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है उसको आप टेकअप करने की यानी कि उसको सही करने की प्रयास करें, उसको डायग्नोसिस करवाएं और उसी तरीके से इलाज करें। कई बार ऐसा होता है कि पैरों पर निचले भाग में ब्राउन रेड स्पॉट्स पड़ जाते हैं। ये जो स्पॉट्स होते हैं ये कभी कभी फैली हुई आकृति में होते हैं या कभी कभी पिन पॉइंटेड स्पॉट्स होते हैं। अक्सर लोग या पेशेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कोई क्रीम दे दीजिए, कोई मदर टिंचर दे दीजिए, कुछ ऐसा लोशन दे दीजिए जिससे कि ये बहुत ही जल्दी हट जाए। लेकिन सच्चाई क्या है कि इन सारे ब्राउन स्पॉट्स के पीछे वजह होती है हमारा स्लो फंक्शनिंग लिवर। अगर आपका लिवर स्लो फंक्शन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल फैटी लिवर है या लिवर की कोई अन्य समस्या है, तो ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे पैर का जो लोअर पोर्शन है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप इस तरह के ब्राउन स्पॉट्स को लिवर को ठीक करने का प्रयास करें, ना कि सिर्फ आप क्रीम या लोशंस के उसमें रहें कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि ये क्लीन आउट हो जाए। ऐसा हो भी नहीं पाता है जब तक कि आप मेन प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पिटिंग एडिमा। अगर हमारे पैर के निचले हिस्से सूजे रहते हैं,
उनमें दबाने पर 30 सेकंड तक प्रेस करने पर एक गड्ढे नुमा आकृति बन जाती है, तो भी ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि कोई अंडरलाइन लिवर प्रॉब्लम चल रही है। वेरिकोज वेन्स, अगर पैर के निचले भाग में खास तौर से पिंडलियों के भाग में गुच्छे नुमा नस की आकृति दिखाई देती है, इसके अलावा स्पाइडर वेन या स्पाइडर नेवस दिखाई देता है जो कि मकड़ी के जैसे आकृति का दिखाई देता है, तो भी ये एक इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं लिवर की प्रॉब्लम चल रही है। दोस्तों इसके अलावा हमारे पैरों से आने वाला जो पसीना है, अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, अगर वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, स्मेली है, लोग उस पसीने को जरा भी बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं, देन आप ये क्लियर कट मान के चलिए कि कहीं ना कहीं लिवर की प्रॉब्लम है। ऐसे पेशेंट्स भी बहुत आते हैं और वो अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब कोई पाउडर प्रिस्क्राइब कर दीजिए, कोई ऐसा डिओड्रेंट प्रिस्क्राइब कर दीजिए जिससे कि हमारी पसीने की समस्या खत्म हो जाए। लेकिन सॉरी टू से, ऐसा कोई पाउडर नहीं होता, ऐसा कोई लोशन मलहम नहीं है जो इस तरीके की पसीने को, ऐसी स्मेल को हटा दे। जबकि अगर उसके अंडरलाइन जो डिजीज है, जो लिवर प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस किया जाएगा, तब ये प्रॉब्लम जड़ से हटा सकती है। ऐसा होता क्यों? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको तो लिवर निकाल नहीं पा रहा है। अब क्या होता है, ये टॉक्सिन्स हमारे ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पैरों में सबसे ज्यादा है, तो ये वहां तक चला जाता है और पसीने के माध्यम से ये जब टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं तो ये काफी ऑफेंसिव स्मेल देते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि इस तरह की प्रॉब्लम में आप इस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दें कि कहीं हमारे अंडरलाइन कोई लिवर डिजीज तो नहीं है, उसको डायग्नोसिस कराइए, तब आपकी प्रॉब्लम जड़ से जरूर समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ कॉमन लक्षण जो हमें दिखाई देते हैं लिवर की प्रॉब्लम में। अब हमको ये भी जानना चाहिए कि आखिर में अपने लिवर को स्वस्थ कैसे रखें। दोस्तों इसके पिछले कई वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूं कि लिवर को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा बिना डॉक्टरी परामर्श के दवाइयों का सेवन ज्यादा ना करें। कभी कभार लोग ओवर द काउंटर ड्रग्स को अपनी मर्जी के हिसाब से अपने अनुसार खाते रहते हैं और उसका खामियाजा हमारा लिवर ही भुगतता है। इसके अलावा जंक फूड का ज्यादा सेवन, मैदे का, चीनी का ज्यादा सेवन, ज्यादा मिर्च मसालेदार भोजन, ये भी हमारे लिवर की हेल्थ को डिटेरिएट करता है। ये भी बहुत जरूरी है कि नशे से दूर रहा जाए, जैसे कि शराब, पान, सुरती, खैनी, बीड़ी, तंबाकू, चाय और कॉफी का अधिक सेवन, ये भी हमारे लिवर के एरिया है, हमारे लिवर का, उसको भी डैमेज पहुंचाता है। इसलिए अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का सेवन करें, कार्बोहाइड्रेट्स का लिमिटेड अमाउंट में रखें और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में लें, ताकि सब चीजों का बैलेंस आपकी बॉडी में बना रहे। याद रखिए दोस्तों, किसी भी चीज को हम जब ज्यादा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं या फिर प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं, तो आखिर में कहीं ना कहीं हमारे लिवर को ही मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी उस एक्सेस चीज को हटाने के लिए। इसलिए बैलेंस डाइट इज द बेस्ट डाइट। एक्सरसाइज कीजिए, कम से कम खुली हवा में 15 से 20 मिनट आप जरूर समय बिताइए, योगासन प्राणायाम कीजिए, ताकि आपका लिवर ता उम्र आपका साथ निभाए और आप हमेशा स्वस्थ रहें। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह का मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशनल कंटेंट आपको देखने को मिले और हम अपने समाज में एक बेहतर बदलाव ला सकें। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही कुछ काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।